दोस्तों, आकांक्षा दुबे के मामले में सबसे बड़ी खबर है, सबसे नई खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, जिसके बाद आकांक्षा के सारे राज खुलना तय हो गए हैं। सीबीआई को जांच सौंपने से पहले, सीबीआई के पास जांच जाने से पहले ये आखिरी दांव माना जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा दांव है, सबसे बड़ा दांव है, और वो है टेंसल टेस्ट। जी हाँ, वही बैंगनी कपड़ा, वही बैंगनी दुपट्टा पूरे के पूरे राज खोलेगा, जो कि आखिरी बार आकांक्षा के साथ दिखा था। और कहा गया कि उसी बैंगनी कपड़े के जरिए आकांक्षा ने वो काम किया, मगर परिवार को यकीन है ही नहीं, फैंस को यकीन है ही नहीं, चाहने वालों को यकीन है ही नहीं। और परिवार ने तो साफ साफ कह दिया है कि आकांक्षा ऐसा काम खुद से कर ही नहीं सकती, इसीलिए टेंसिल टेस्ट की तैयारी शुरू हो गई है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूरी डिटेल के साथ आपको सब कुछ बताते हैं, क्या है ये टेस्ट, कैसे होगा ये पूरा टेस्ट, कैसे खुलेंगे सारे राज, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाएं और कमेंट में अरेस्ट समर सिंह या जस्टिस फॉर आकांक्षा जरूर लिखें, और इस टेंसिल टेस्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, इसके बारे में भी जरूर लिखें। चैनल के साथ जुड़कर, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने, हमारी ताकत बढ़ाएं। तो आकांक्षा दुबे की जांच कर रही पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। समर सिंह की तलाश का दावा भले ही किया जा रहा है, लेकिन समर सिंह अभी तक मिला नहीं है, और इसीलिए पुलिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इतने दिन से समर सिंह को आखिर पुलिस क्यों नहीं खोज पाई, और पुलिस पर सवाल इतना ही नहीं है, बल्कि पुलिस पर परिवार ने ये भी आरोप लगाया है कि वो समर सिंह को बचा रही है, और इसीलिए तो धारा 302 का केस दर्ज नहीं करके सारा का सारा आरोप आकांक्षा पर ही मढ़ दिया गया। आकांक्षा के खुद से खुद को खत्म करने की बात पुलिस ने बिना जांच के कह दी, जबकि आकांक्षा दुबे बैंगनी कपड़े के साथ बेड पर बैठी हुई हालत में मिली थी, और जिस हालत में वो मिली थी उस हालत में खुद से ऐसा कर पाना संभव ही नहीं है। अब इन सब के बीच ही बैंगनी कपड़ा आकांक्षा के सारे राज खोलेगा, क्योंकि उस कपड़े के टेंसिल टेस्ट की तैयारी हो गई है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात पुलिस सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। उस बैंगनी कपड़े के टेंसिल टेस्ट यानी कि भार वहन क्षमता का टेस्ट होगा, और उससे पता चल जाएगा कि असल में 25 मार्च की रात को आकांक्षा दुबे के साथ क्या हुआ था। अब पहले आपको बताते हैं कि टेंसिल टेस्ट होता क्या है, और फिर बताएंगे कि आकांक्षा के मामले में क्या होने जा रहा है। तो टेंसिल टेस्ट का मतलब होता है कि उस कपड़े के भार उठाने की क्षमता की जांच करना, उस कपड़े की फॉरेंसिक जांच की जाती है, और ये जांचा जाता है कि जिस इंसान को उस कपड़े के साथ बांधा गया था वो कपड़ा उस इंसान का भार उठा भी सकता है या नहीं, क्योंकि अगर भार उठा सकता है तो फिर तो ठीक है, मामला साफ हो जाएगा कि मामला खुद से करने का है। लेकिन अगर वो कपड़ा भार उठाने में सक्षम नहीं है, वो कपड़ा बीच में ही फट जाता है, तो फिर तो साफ हो जाएगा कि किसी और ने ये काम किया है, इसके पीछे बड़ी साजिश है। अब पुलिस सूत्रों के मुताबिक आकांक्षा के मामले में उस बैंगनी कपड़े को जांच के लिए चंडीगढ़ फॉरेंसिक भेजने की तैयारी है, और चंडीगढ़ में उस बैंगनी कपड़े का टेंसिल टेस्ट किया जाएगा, जिसमें ये जांचा जाएगा कि उस बैंगनी कपड़े की क्षमता आकांक्षा का भार उठाने की थी या नहीं थी, और ये भी चेक किया जाएगा कि कहीं उस कपड़े पर जोर पड़ते ही वो कपड़ा फट तो नहीं जाएगा और दो हिस्सों में बट तो नहीं जाएगा। ये सारी की सारी जाँच यहाँ पर की जाएगी। अब यहाँ पर बड़ी खबर यह है कि आकांक्षा दुबे की मां ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मामले की सीबीआई जांच की मांग की है, जिसके बाद से बड़ा बवाल हो गया, और इसीलिए यूपी पुलिस हरकत में आई है और लगातार कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे मामला जल्द से जल्द सुलझ जाए, और इसीलिए इस तरह की बात आ रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक टेंसिल टेस्ट की तैयारी हो रही है। अब यहाँ पर यह भी जानना बेहद जरूरी है कि बैंगनी कपड़ा जो कि दुपट्टा था वो सूती कपड़ा था, और सूती कपड़े की क्षमता इतनी ज्यादा लग ही नहीं रही थी कि वो आकांक्षा का भार उठा पाए, और उससे भी बड़ी बात, वो कपड़ा आकांक्षा का भार उठाने में सक्षम होता है या फिर भार उठा लेता है तो जिस हालत में आकांक्षा मिली थी यानी कि बेड पर जिस हालत में बैठी हुई मिली थी, तो फिर वैसी बैठी हुई हालत में नहीं मिलती, यानी कि बैंगनी कपड़े पर पहले दिन से, पहले घंटे से, पहले मिनट से सवाल उठ रहे हैं, और उसी बैंगनी कपड़े की भार वहन क्षमता का टेस्ट होने जा रहा है, टेंसिल टेस्ट होने जा रहा है, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो यहाँ पर अब समर सिंह के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि बैंगनी कपड़ा टेंसिल टेस्ट में फेल हो जाता है तो सीधे ही आकांक्षा के केस में दर्ज धारा बदल जाएगी, वो धारा सीधे सीधे साजिश के साथ साथ 302 की भी हो जाएगी, जिसके बाद तो समर सिंह पर गंभीर केस दर्ज हो जाएगा, और उसकी पकड़ के लिए और तेजी लाना मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई समर सिंह की मदद कर भी रहा है तो वो भी मदद नहीं कर पाएगा, और पूरी तरह से समर सिंह सलाखों के पीछे होगा और
जिसके बाद आकांक्षा के मामले का पूरा पर्दाफाश होना तय है। साजिश में कौन कौन शामिल था ये भी पता चल जाएगा। अब हमें तो इस स्टेंसिल टेस्ट से खासी उम्मीदें हैं कि पूरा खुलासा इसी टेस्ट पर टिका हुआ है। तो आपको क्या लगता है, आपको कितनी उम्मीद है? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। तो कभी आजमगढ़ से लेकर गोरखपुर तक, तो कभी पटना से लेकर मुंबई तक, और कभी नेपाल से लेकर तिब्बत तक पुलिस दबिश देने का दावा कर रही है। 26 मार्च से लेकर अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। न समर सिंह पकड़ में आ रहा है और न ही उसके सहयोगी, सब फरार हैं, गायब हैं, देश में हैं या विदेश भाग गए कोई नहीं जानता। मगर वाराणसी से जो खबरें आ रही हैं वो हर किसी को हैरानी में डाल सकती हैं। और समर सिंह को सपोर्ट कर रहे लोगों के लिए तो ये खबर सुनकर पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। दरअसल वाराणसी में एक मशहूर न्यूज़पेपर ने दावा किया है कि समर सिंह कहीं नहीं भागा है, वो सारनाथ से महज 9-9.5 किलोमीटर दूर एक रिसोर्ट में मस्ती कर रहा है, आराम फरमा रहा है। जी हाँ, ये बेहद सनसनीखेज खुलासा किया गया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि समर सिंह को वाराणसी के एक रिसोर्ट में देखा गया है। और अखबार का दावा है कि रिसोर्ट का एक कर्मचारी पत्रकार को अपने साथ रिसोर्ट के अंदर तक लेकर गया। इस दौरान होटल के एम्प्लॉय ने पत्रकार का फोन स्विच ऑफ करवा दिया ताकि वो किसी तरह की फोटो न खींच सके, वीडियो न बना सके। दावा है कि रिसोर्ट के अंदर ही बने स्विमिंग पूल के पास जब पत्रकार पहुंचे तो वो दंग रह गए क्योंकि वहां पर समर सिंह था। रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूज़पेपर के पत्रकार को यकीन ही नहीं हुआ कि समर सिंह रिसोर्ट में मस्ती काट रहा है और रिसोर्ट के बाहर समर सिंह को लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है। अब इसके बाद पत्रकार ने कंफर्म करने के लिए रूम नंबर के हिसाब से चेक करवाया तो रूम किसी और के नाम से बुक था और वहां पर रह रहा था समर सिंह। अब यहां पूरा खेल समझिए दोस्तों, अगर इस अखबार की रिपोर्ट पर जरा भी यकीन करें तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। पहले आकांक्षा को रास्ते से हटाया गया और फिर समर सिंह आराम से रह रहा है। इसका मतलब साफ है कि समर सिंह को कुछ ऐसे लोगों का सपोर्ट मिला है जिनकी पुलिस और प्रशासन में तगड़ी पकड़ है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि एक तरफ तो पुलिस समर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ वो आकांक्षा वाले होटल से महज 9 किलोमीटर दूर एक रिसोर्ट में छुपा हुआ है। ऐसा किसी की पहुंच के बिना संभव ही नहीं है। जबकि पुलिस की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि आकांक्षा दुबे की मौत वाले दिन से ही समर सिंह और उसका सहयोगी फरार हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक समर सिंह का फोन बंद होने से पहले उसकी आखिरी लोकेशन मुंबई और पटना में मिली। पुलिस की माने तो समर सिंह अपने घर वालों और करीबियों से भी संपर्क नहीं कर रहा, इस वजह से उसके परिवार वाले भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। अब भले पुलिस कुछ भी कहे मगर जो इस अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है वो वाकई में हैरानी भरा है। वहीं दूसरी तरफ आकांक्षा की मां मधु दुबे लगातार कह रही हैं कि समर सिंह से उनके परिवार को खतरा है। आकांक्षा की मां मधु दुबे ने हाल ही में एक बयान में कहा है कि उन्हें बार बार ये लग रहा है कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है, कोई उन पर नजर रख रहा है। आकांक्षा की मां मधु दुबे ने साफ साफ कहा है कि उन्हें शक है कि समर सिंह उनको भी मरवाने की साजिश कर सकता है ताकि आकांक्षा की इंसाफ की लड़ाई को कोई लड़ने वाला ही ना बचे। अब आकांक्षा की मां और अखबार की रिपोर्ट को कनेक्ट करें तो लगता है कि समर सिंह आसपास ही है, वो कहीं आसपास ही छिपा हो सकता है और वहीं से आकांक्षा के परिवार की रैकी भी कर रहा है। और अखबार की रिपोर्ट में भी यही लिखा है कि समर सिंह सारनाथ से महज 9 किलोमीटर दूर छिपा हुआ है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ बड़ी गड़बड़ है।